खबर जनपद चमोली से है, जहां विकास खंड पोखरी मुख्यालय में क्षेत्रीय प्रारंभिक शिक्षा शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का 3 दिवसीय कार्यक्रम मिनी स्टेडियम में आयोजित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में विधायक लखपत बुटोला द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि खेल स्पर्धा को मजबूती और दिया जाएगा, ऐसे में स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने सुधार की आवश्यकता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए पूरा योगदान देंगे, साथ ही जनपद से चयनित छात्र जो राज्य स्तर पर हिस्सा लेंगे देहरादून में उनके रहने व खाने की वह खुद व्यवस्था करेंगे। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हमारे ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शरतकालीन शीतकालीन यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है आज, और आज से 3 दिन तक ये खेलकूद प्रतियोगिताएं चलेंगी। और अभी ये पहले हमारे संकुल पे हुई थी और संकुल से हमारे 9 संकुल इस ब्लॉक स्तर पर प्रतिभा करेंगे और बहुत दूर दूर के एक संकुल यहाँ पे प्रतिभा कर रहे हैं और इसमें हमारे 9 टीमें हर गेम में हर खेल में यहाँ पे प्रतिभा करेंगे 3 दिन तक। इस प्रोग्राम का आयोजन जो होते हैं ये बहुत स्वागत योग्य है। मैं इस आयोजन के लिए तमाम जो इस आयोजन को बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, छात्र शिक्षक शिक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ और जो हमारे छात्र हैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।